हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं, अब सोन प्रयाग के लिए बस पकड़ लिए हैं और ये टिकट है। और जबकि हम लोग हाय गाइस, अभी यहाँ रुकी हुई बस है। हम लोग नाश्ते पे हैं, टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए रुके हुए हैं। और यार कितना खतरनाक नजारा है, बहुत दूर यार वो खतरनाक। और नीचे नदी चल रही है, हम लोग बहुत ऊपर हैं और यार देखने में भी डर लग रहा है। लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं हैं, घर कैसे कैसे यहाँ बने हुए हैं। और आप बता दें कैसे लोग अपना अपना इंतज़ाम। और यहाँ ऊपर होटल है तो नीचे देखो कैसे चुल्ला करके ढाले हुए हैं। बहुत भाई जी मत जाने लगा है भाई। देखो यहाँ पे यार ये पत्थर, ये बहुत मुख्तक है। और ये बस है, हम लोगों की जिस बस से आए हैं। और काफ़ी नज़ारा कूल यार यहाँ पे। और यहाँ नाश्ते के लिए कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए गाड़ी रुकी हुई है एक स्टॉप। बैठते बैठते भाई जी बहुत हमारा मटियाने लगा है। जा रही है, फ्री सेवा है। और देखिए ऊपर पानी गिर रहा है झरने पे और गाड़ी धो के जा रही है भाई। केदारनाथ बाबा बोल रहे हैं नहा धो के आना। और अभी देखो ये भी धोएगा, ये भी खड़े किया अपना शीशा पहुंच लिया लगे। और भाई सिंगल रोड है, बड़ा सुबह 8 बजे से गाड़ी चल रही है, 3 बजने वाला है, 3:30 बज चुका है। और अभी देखो ये झरना चल रहा है। तो ये कहाँ से चल रहा है हमको भी नहीं पता कहाँ से चल रहा है, ऊपर दिखा दे गाड़ी। ड्राइवर साहब बहुत थक चुके हैं, हमारे सत्तर ड्राइवर साहब। ये देखो ये सारे लोग, ये देखो कहाँ नज़ारा है, पहाड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी है भाई। फाइनली हम लोग हटने वाले हैं यहाँ से, 10 किलोमीटर बचा हुआ है कौन प्रयाग। और यहाँ के भाई ये पहाड़ तगड़ा। फाइनली गाइस हम लोग आ रहे हैं सोन प्रयाग, अब केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ से अभी पैदल 1 किलोमीटर गौरी कुंड है। और यहाँ का नज़ारा देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ नज़ारा। हेलो गाइस, मैं यहाँ गौरी कुंड के पास आ चुका हूँ। इसका बहुत गर्म पानी ठंडा भी, अभी इतना गर्म पानी की भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। जा देखते हैं, और जा देखते हैं। छठी है तो इतना गर्म है। चलो भैया चलते हैं। और भाई देखो इसमें कि पानी खोल रहा है, इसमें भुजिया भी निकल रहे हैं एक तरह से। देखिए भुजिया भी निकल रहे हैं भाई, जरा इससे आइए। और देखिए ये देखो इतना गर्म पानी है कि इसमें भुजिया निकल रहे हैं, ये चमत्कार ही बात है भाई। हेलो गाइस, हम लोग गौरी कुंड में हैं और यहाँ पे रूम ले चुके हैं। फाइनली हमारे लोग का रूम मिला पूरा 3,000 रुपये का। और जो कि बड़ी बड़ी यार रजैया देख लीजिए, रजाई मिली हुई है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और इसलिए यहाँ बगैर रूम के रह नहीं सकते थे, इसलिए रूम लेना पड़ा मजबूरी में। इसका प्राइस 3,000 रुपये है। और काफ़ी ठंड भी है, अभी खाना भी यहाँ पे महंगा है। कल जो है चढ़ाई हम लोग की पूरी 20 किलोमीटर की केदारनाथ जी की है, जो कि कल सफ़र 6 बजे से हम लोग का चालू होगा। और हम लोग इसीलिए थोड़ा रेस्ट मार लें क्योंकि सुबह कल बहुत ज़्यादा चढ़ाई करना है। जो कि जो वीडियो पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। और कल वीडियो फिर डालेंगे, अब भी यहाँ पे आज रेस्ट करने जा रहे हैं ताकि कल का वीडियो कल दिखाएंगे। बाकी बाय बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सुबह के 4 बज चुके हैं
और अभी देखो राजपाल जग गया है, रिंकू भाई नाश्ते के लिए चना का प्याज डाल रहा है, ये देखो पंकज अभी सो रहा है, इधर तुम मरे हुए हैं और अब जाएंगे स्नान करने और फिर आराम से फिर आप लोगों को दिखाएंगे वीडियोस और बनाएंगे जब यात्रा पे तक के लिए बनाएंगे। मैं गौरी कुंड से नहाया, बहुत गर्म पानी था, इतना गर्म था कि हम डाल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा हॉट था, इसलिए अब नहाए, सारे लोग नहाने गए हैं, हम नहा के कितने बैठे हुए हैं, अब यहाँ से आ जाएंगे सभी लोग तो सफ़र के लिए निकल लेंगे, क्योंकि ट्रेन से आज वापस तो आ नहीं पाएंगे, 20 किलोमीटर की रास्ता है, इसीलिए अब कल वापस आएंगे, वहीं पे कैंप मिलता है, कैंप में रात गुजारेंगे तब आएंगे। हाय गाइस, सफ़र चालू हो गया है हम लोगों का और हम लोग अब पैदल जा रहे हैं, काफ़ी लंबी चढ़ाई है और यहाँ पर पूरा कंपटीशन है, तो 3,000 रुपये से 2,700 रुपये लेते हैं घोड़े से और कुछ लोग ये भी, और यहाँ पे काफ़ी अतिरिक्त बढ़िया नज़ारा है कि जगह जगह पर झरना भी चल रहा है और देखिए भाई झरना दो रुपये में दो रुपये चल रहा है और देखो कहीं नदी में मिल रहा है। भारी गवा आज उत्तम पानी भाई, देखिए हमारे जूतों में पानी भर चुका हुआ है और काफ़ी लंबी चढ़ैया है दोस्त, बहुत थक चुके हैं लेकिन चढ़ना ज़रूरी है, अभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है अभी। डॉक्टर बैटरी फुल है भाई, इसकी बैटरी डाउन पर गई है, ये थक चुका है पूरी तरह से, इसके लिए अब खच्चर करना पड़ेगा और ये सब लोग। हेलो, एनर्जी अभी बाकी है ना भाई, बहुत अभी बहुत एनर्जी बाकी है। हाँ गाइस, अभी आधी रास्ता पे आ चुके हैं और काफ़ी थक चुके हैं हम लोग और देखते यहाँ का बाकी फूल नज़ारा है, सभी टूरिस्ट यहाँ पे रेस्ट मार रहे हैं, थोड़ी जगह है और हमारे राजपाल जी कैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वो यहाँ देखिए ऊपर ग्लेशियर, यहाँ से भी कुछ आ नहीं रहा है, ग्लेशियर एकदम बर्फ जमी हुई है ग्लेशियर में, ग्लेशियर हिमालय बाकी अब पहुँचने वाले हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा। हाँ गाइस, हम लोग केदारनाथ अट चुके हैं और केदारनाथ धाम यहाँ से 100 मीटर दूर है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे यहाँ कैंप ले लें, तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे नहीं, 100 मीटर पीछे 1300 में मिल गया है और यहाँ पे जो मिल रहा है 3500 रुपये से नीचे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा बाइक जा रहे हैं जो कि मिल जाएगा और अब यहीं से हम लोग कुछ भूख लगी है खाना वाना खा के फिर जाके केदारनाथ जी के धाम दर्शन करेंगे और 3500 अगर 100 मीटर आगे लोगे मंदिर की तरफ तो 3500 रुपया पड़ रहा है, अगर 100 मीटर पीछे लोगे कैम्प तो वही 1300 रुपये में, वो भी 6 लोग हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं, बैग वैग जमा करके आ रहे हैं, तो कृपया अगर आप लोग कभी भी। हेलो गाइस, अब आ चुके हम लोग केदार धाम के सामने, ये देख रहे हो केदारनाथ का मंदिर दिख रहा है, काफ़ी मशक्कत के बाद भाई काफ़ी कठिनाइयाँ आई रास्ते में और अब जन्नत में आ ही गए, बाबा के धाम पे आ ही गए और आगे का वीडियो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं, आप लोग को मुख्य धाम दिखा रहे हैं जो कि सफ़र 6 बजे से चला था और अब आ चुके हैं रिंकू भाई, आ चुके हैं राजपाल के पीछे हर हर शंभु भाई, बहुत हाथ पैर दर्द कर रहा है, ये देखिए श्री केदार धाम का, श्री केदारनाथ का
भाई कबाड़ बंद हो चुके हैं इसके और श्री केदारनाथ जी के, और आप लोग मंदिर का मंदिर दिखा रहा हूँ केदारनाथ जी का, और आप लोग देख लीजिए ये श्री केदार जी के नाथ मंदिर बंद हो चुका है। श्री केदारनाथ पीछे पहाड़ी है और सारी बर्फीली पहाड़ी है, और अभी आपको दिखाते हैं जौन पत्थर।